Thus, the capitalist system has produced an almost universal ignorance of how things are made and done, while at the same time it has caused them to be made and done, while at the same time it has caused them to be made and done on a gigantic scale. अब ये जो हमारा कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसने एक तरह से पूरी इग्नोरेंस कर दी है, सबको अनजान कर दिया है कि चीजें बनती कैसे हैं और होती कैसे हैं, जबकि एक तरफ उसने ये सारी चीजें बनाई भी है और पूरी भी करी है, वही एक तरफ उसने जो चीजें बनाई भी, पूरी भी करी और बहुत बड़े स्केल पे. वी हैव टू बाय बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज टू फाइंड आउट व्हाट इट इज वी वर डूइंग ऑल डे, एंड एज द बुक्स वर रिटन बाय पीपल who are not doing it and who get their information from other books, what they tell us is from 20 or 50 years out of date and unpractical at that. अब अगर हम books खरीदें और encyclopedia खरीदें जिसमें कि हम आजकल कर क्या रहे हैं, वो उन books जो कि ऐसे लोगों द्वारा लिखी हुई हैं जो खुद नहीं करते थे या उन्होंने information दूसरी books से हासिल करी हैं, वो बताते हैं उन बातों के बारे में जो 20 से 50 साल पहले की है, आउट ऑफ डेट हो चुकी है और आज की डेट में बिल्कुल अनप्रैक्टिकल है. एंड ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ अस आर टू टायर्ड ऑफ आवर वर्क व्हेन वी केम होम फ्रॉम टू वांट टू रीड अबाउट इट. व्हाट वी नीड इज अ सिनेमा टू टेक अवर माइंड्स ऑफ इट एंड फील अवर इमेजिनेशन. पर आज की डेट में जब हम लोग थक कर घर लौट कर आते हैं और हम चाहते हैं कि हम कुछ पढ़ें, तो हम क्या पढ़ते हैं? सिनेमा को, जिसमें हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से हट जाता है, हमारा जो इमेजिनेशन है उसमें नई नई चीजें जो है फीड करने लगता है. इट्स अ फनी प्लेस दिस वर्ल्ड ऑफ कैपिटलिज्म विद इट्स एस्टोनिशिंग स्प्रेड ऑफ इग्नोरेंस एंड हेल्पलेसनेस मोस्टिंग ऑल द टाइम ऑफ इट्स स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड एनलाइटमेंट. ये एक ऐसी मजाक भरी जगह है, एक ऐसी दुनिया कैपिटलिज्म की जहाँ पर हर जगह सब अनजान है, सब बेचारे हैं, लेकिन तब भी वो जो है हमेशा फैलाने की क्या बात करती रहती है, एजुकेशन को और एनलाइटमेंट को. देयर स्टैंड द थाउजेंड्स ऑफ प्रॉपर्टी ओनर्स एंड द मिलियन ऑफ वेज वर्कर्स, नन ऑफ देम बी एबल टू मेक एनीथिंग, नन ऑफ देम नोइंग व्हाट टू डू अंटिल समबडी टेल्स देम, नन ऑफ देम हैविंग द लीस्ट नोशन ऑफ हाउ इट इज दे फाइंड पीपल पेइंग देम मनी and things in the shop to buy with it. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें कहना चाहिए हजारों की संख्या में प्रॉपर्टी ओनर्स होंगे, लाखों की संख्या में जो दिहाड़ी काम करने वाले मजदूर हैं वो होंगे, पर किसी को नहीं पता कि चीजें बनती कैसे हैं, और कोई भी तब तक नहीं कर सकता जब तक उनको कोई बताए नहीं कि कैसे बनाया जाएगा या कैसे करा जाएगा. किसी को भी इतनी फिक्र नहीं है कि वो लोग जो है बस सिर्फ इस चिंता में रहते हैं कि हम उन लोगों को ढूंढें जो हमें पैसे दें और उससे हम जो है उन चीजों को मार्केट में जाके खरीद सकें. एंड व्हेन दे ट्रैवल दे आर सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट सैवेजेस एंड एस्किमोस एंड द विलेजर्स हु हैव टू मेक एवरीथिंग फॉर देमसेल्व्स आर मोर इंटेलिजेंट एंड रिसोर्सफुल. और जब वो लोग जो है सफर करते हैं तो उन्हें बड़ा ताज्जुब होता है ये देखकर कि ये जो असभ्य लोग हैं, एस्किमोस हैं, इतने सारे गांव वाले हैं, ये सब लोग जो है अपने लिए खुद चीजें करते हैं और ये लोग जो है कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, कहीं ज्यादा रिसोर्सफुल होते हैं. द वंडर वुड बी इफ दे आर एनीथिंग एल्स. अब ताज्जुब तो तब होता है जब ये लोग भी कुछ और होते. वी शुड डाई ऑफ इडियोसी थ्रू डिस यूज ऑफ अवर मेंटल फैकल्टीज इफ वी डू नॉट फिल अवर हेड्स विद रोमांटिक नॉनसेंस आउट ऑफ इलस्ट्रेटेड न्यूज़पेपर एंड नॉवेल्स एंड प्लेज एंड फिल्म्स. हम लोग शायद इडियोसी से मर जाते हैं, बेवकूफी से मर जाते हैं अगर हम अपनी ये जो मेंटल फैकल्टीज हैं, यानी कि हमारा जो दिमाग है, इसका इस्तेमाल ही नहीं करें, बल्कि अपने दिमाग को जो है उस रोमांटिक नॉनसेंस से जो कि हमें न्यूज़पेपर्स, नॉवेल्स, प्लेज और फिल्म से मिलती है उससे भर लें. सच स्टफ कीप्स अस अलाइव बट इट फॉल्सिफाइज एवरीथिंग फॉर अस सो एब्सर्डली दैट इट लीव्स अस मोर और लेस डेंजरस लुनेटिक्स इन द रियल वर्ल्ड. अब ऐसा स्टफ जो है हमको जिंदा तो रखता है पर हमारे दिमाग में ऐसी अजीब अजीब सी जो है गलत चीजें, फेक चीजों को भर देता है जिससे कि हमारा जो हम लोग जो खुद हैं वो इस ऐसी दुनिया में जो हमारी जो सच्चाई की जो दुनिया है उसमें बस छोड़ दिए जाते हैं. एक्सक्यूज मी माई गोइंग ऑन लाइक दिस बट एज आई एम अ राइटर ऑफ द बुक्स एंड प्लेज माई सेल्फ आई नो द फॉली एंड पेरिल ऑफ इट बेटर देन यू डू. मेरी इन बातों को जो है आप एक्सक्यूज कीजिएगा कि मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक राइटर हूँ बुक्स का और प्लेस का, इसलिए मुझे पता है कि रियलिटी क्या है, यानी कि क्या मूर्खता है,
क्या खतरा है ये आपसे बेहतर मैं जानता हूँ. And when I see this moment of our utmost ignorance and helplessness, delusion and folly, had been stumbled on by the blind forces of capitalism as the moment for giving votes to everybody. जब मैं ये क्षण देखता हूँ हमारी पूरी तरीके से अनजान होने के, असहाय होने के, एक भ्रम में होने के या मूर्खतापूर्ण होने के, तो ये जो चीजें हैं ये सब इस कैपिटलिज्म की अंधा फोर्स जो है उसके द्वारा की गई है. जैसे कि मानो हम किसी को वोट देते हैं, सो दैट द फ्यू वाइज आर होपलेसली ओवररूल्ड बाय द थाउजेंड्स हूज पॉलिटिकल माइंड्स एट ऑल हैव बीन फॉर्मड इन द सिनेमा. यानी कि हम जो है उन लोगों को वोट देते हैं जो हमारी नजर में कुछ समझदार होते हैं, और फिर वो जो है हजारों के ऊपर रूल करते हैं जिनके माइंड्स जो है वो पॉलिटिकली शायद इसी सिनेमा से बने हुए हैं. आई रियलाइज दैट आई हैड बेटर स्टॉप राइटिंग प्लेस फॉर अ वाइल to discuss political and social realities in this book with those who are intelligent enough to listen to me. मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अपने जो प्लेस हैं कुछ समय के लिए इनको लिखना बंद कर देना चाहिए ताकि मैं पॉलिटिकल और सोशल रियलिटीज को इस बुक में डिस्कस कर सकूं उन लोगों के लिए जो खास तौर पे इंटेलिजेंट हैं और मेरी इस बातों को सुन पाए. तो ये था माँ चैप्टर. आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करो माँ चैनल असम एजुकेशन. बाय.